Welcome back again, my dear student and my champions in all the summer biology classes. तो आज के ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी को हम बेसिकली इसमें बेसिक अल्टीमेट टॉपिक जो डिस्कशन होगा दैट इज रूट। तो रूट को हमें तीन पार्ट्स में सीखना है। पहला पार्ट होगा लेक्चर, दूसरा एनसीईआरटी से कंपैरिजन, लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में वी आर वर्किंग ऑन एल एन क्यू मॉडल, लेक्चर उसके बाद में एनसीईआरटी से कंपैरिजन और लास्ट में क्वेश्चंस। तो उसी फॉर्म में हमारा सीक्वेंस वाइज चलेगा। तो एल एन क्यू मॉडल में हम काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी का बेसिक मतलब होता है स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्लांट। जो है प्लांट फिजिकल अपीयरेंस है वो किस टाइप से दिख रहा है उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट प्लांट की मॉर्फोलॉजी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। वन इज वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, सेकेंड वन रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट में वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी में हमारा इंक्लूड होगा रूट, सेकेंड स्टेम और लीफ। दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स, चाहे रूट की बात करें, चाहे स्टेम की बात करें, चाहे लीफ की बात करें, ऑल दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। सेकेंड दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर दोज पार्ट्स दैट प्ले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल्स इन रिप्रोडक्शन। जो भी पार्ट्स रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे हम देखें इनफ्लोरेसेंस, पहला होगा इनफ्लोरेसेंस, दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन फ्लावर एक्सिस। आगे देखेंगे डिटेल में। फ्लावर्स दैट इज द ऑल्सो फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सीड दे आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। एसिड फ्रूट्स दैट इज ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस फूड एंड नेक्स्ट जनरेशन। तो इन सभी पॉइंटों को हम देखेंगे वन बाई वन करके। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे रूट को। तो अगर मैंने जब मैं बताया, मैंने यहाँ पर हमने डिस्कशन किया कि वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, सेकंड वन दैट इज रिप्रोडक्टिव मॉर्फोलॉजी। तो इन केस ऑफ द वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, तो हम देखें इनसाइड द डायग्राम। तो यहाँ पर मैंने एक एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया है। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में मेंशन है एक रूट सिस्टम है, क्या है शूट सिस्टम क्या है। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को पहले समझ लें। अगर मैं ये लाइन कहता हूँ, ये ग्राउंड लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट जो है सॉइल वाला पार्ट है। ये कौन सा सॉइल वाला पार्ट है, इससे ऊपर जो होता है एबो द सॉइल्स, एबो सॉइल। सॉइल से ऊपर वाला पार्ट जो भी होगा दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम। क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। नीचे दिस पार्ट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। तो रूट क्या है, सॉइल के अंदर, सॉइल से बाहर जो भी पार्ट है चाहे फ्लावर हो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, इन सभी पार्टों को मिलाते हैं, दे आर कॉल्ड टूगेदर इज कॉल्ड शूट सिस्टम। तो प्लांट के मॉर्फोलॉजी में कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स। वन इज द सॉइल के अंदर वाला पार्ट रूट सिस्टम, और दूसरा पार्ट है शूट सिस्टम, रूट और शूट। तो हम कहेंगे रूट और शूट। तो यहाँ पे रूट है तो ये तो हो गया रूट सिस्टम, और स्टेम लीफ वाला पार्ट है ये क्या बोला जाता है, दे आर द शूट सिस्टम। तो कभी कंफ्यूज मत होना रूट क्या है शूट क्या है, ठीक है। अब यही पार्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं इस डायग्राम में एनसीईआरटी ने कि ये फ्लावर पार्ट हो गया, तो कैसा पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्रूट हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेम और लीफ कैसे है वेजिटेटिव पार्ट, ये रूट वाला पार्ट है कैसा है वेजिटेटिव पार्ट। तो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिए हैं वेजिटेटिव पार्ट, बाकी जितने भी येलो कलर से हाईलाइट हैं दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। लेकिन नोड रीजन है ये किसमें है, स्टेम का पार्ट है, इसका स्टेम का पार्ट। वो स्टेम वाले पार्ट में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो पहले हमें डिस्कशन करना है रूट का, ठीक है, किसको देखना है रूट को। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इन केस ऑफ द रूट। तो रूट क्या है, तो सबसे पहले हम जान लें कि रूट क्या है। रूट दे आर अराइज फ्रॉम द रेडिकल्स, अराइज फ्रॉम रेडिकल रीजन, रेडिकल रीजन। तो
रेडिकल रीजन से ही रूट बनता है। पहले हम जान लें कि रेडिकल रीजन क्या है। तो अगर हम बात करें कि सीड है, दिस इज द सीड, और सीड क्या है, एम्ब्रियो। सीड क्या होता है, ज्यादा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहें या सीड कहें, बात एक ही होती है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो वो है कि जिससे रूट बनेगा, क्या बनेगा, ये बनाएगा, रूट बनाता है प्लांट का, और इस रीजन को बोलते हैं रेडिकल रीजन। रेडिकल रेडिकल रीजन वो पार्ट होगा जिससे रूट एराइज होगा। दूसरा पार्ट होता है शूट वाला पार्ट। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट है, दे आर कॉल्ड प्लिम्यूल रीजन, जिसे दे कॉल्ड द प्लिम्यूल्स। प्लिम्यूल रीजन वो पार्ट है जो कि फॉर्म करेगा शूट, लीफ, स्टेम, ये सब पार्ट बनाएगा, दैट इज द प्लिम्यूल्स। तो प्लिम्यूल्स रूट बनाता है और रेडिकल्स रूट बनाता है। हम लिख लेते हैं, रेडिकल्स विल फॉर्म रूट। सेकंड वन प्रिम्यूल्स, प्रिम्यूल्स आर पार्ट फॉर्म्ड शूट, ये शूट बनाएगा। चलो इतना डिस्कशन हो गया। अब जो रूट है, रूट कहां पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। कहां पर है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे रूट जो ग्रो करता है, ग्रो पॉजिटिवली, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। बात समझिए क्या है ये, मतलब अगर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, दैट मीन्स टूवर्ड्स ग्रेविटी, टूवर्ड्स ग्रेविटी। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, अगेंस्ट ग्रेविटी। एक पार्ट वो है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा। मतलब अगर ग्रेविटी, मतलब ये हो गया हमारे सॉइल वाला रीजन, और इससे ऊपर जा रहा है और इससे नीचे ग्रो हो रहा है, तो हमारा रूट किधर जाएगा, रूट ये वाला रीजन जो कि नीचे हो जाएगा। जो नीचे क्या है, ग्रेविटी, तो हमने बोला पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी के डायरेक्शन में। जो इधर जा रहा है तो ऊपर वाले फोटोट्रॉपिक से दूर जा रहा है, दिस इज द फोटोट्रॉपिक। अब ऊपर जाता है तो हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हमने देखा फोटोट्रॉपिक मतलब अगेंस्ट द फोटोट्रॉपिक, इसलिए टर्म यूज किया गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। क्या बोला गया, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो मैं समझता हूं यहां पे कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, रूट सिस्टम कहां पर है, सॉइल के अंदर वाला पार्ट है जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करता है, ग्रो करता है। दूसरा पार्ट है शूट वाला पार्ट, वो फोटोट्रॉपिक, फोटो मतलब लाइट, लाइट क्या होता है, आउटर एनवायरमेंट है, लाइट की तरफ जो मूव कर रहा है वो है फोटोट्रॉपिक। लेकिन लाइट की तरफ मूव नहीं करता, ये अगेंस्ट द लाइट चलता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स यूज किए गए। तो याद रखना है, एनसीईआरटी में आंसर नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी रूट सिस्टम है, रूट है दुनिया में, तो तीन तरह के रूट सिस्टम दिए गए हैं। रूट सिस्टम कितने हैं, तो हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो कितने टाइप्स के पढ़ते हैं, थ्री टाइप्स के रूट सिस्टम पढ़ेंगे। तो पहले हम इंक्लूड करेंगे मेन दो को। पहला वन होता है टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। सेकंड वन होगा फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। वन इज टैप रूट सिस्टम, सेकंड वन फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एडवांटेजियस रूट सिस्टम, एडवांटेजियस रूट सिस्टम। क्या है ये देखते हैं, टैप रूट सिस्टम, दिस इज द टैप रूट सिस्टम, सेकंड वन फाइब्रस रूट सिस्टम, और लास्ट वन एडवांटेजियस रूट सिस्टम। तीनों को एक एक करके देखते हैं। बेसिकली मैं यहां पे एक आइडिया दे दूं,
टैग रूट सिस्टम जो एनसीईआरटी इंक्लूड करती है कहाँ पे पाया जाता है, वहां पे हम कहते हैं यहाँ पे दिया हुआ मस्टर्ड प्लांट, कौन सा मस्टर्ड, सरसों वाले प्लांट में। फाइबर्स रूट सिस्टम के लिए, फाइबर्स के लिए एग्जांपल इंक्लूड है व्हीट, है व्हीट। एडवांटेजियस रूट सिस्टम जो है दे आर प्रेजेंट इन ग्रासेस, ग्रास दे आर प्रेजेंट इन मोनस्टेरा। एडवांटेजियस रूट सिस्टम आर प्रेजेंट बेनियन ट्री, बेनियन ट्री। तो ये क्या सिस्टम होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स है अकॉर्डिंग टू द आंसर, लेकिन हमें इनसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं पूछ दूं यहाँ पे कि मस्टर्ड कैसा प्लांट है, हम कहेंगे दे आर डाइकॉट, क्या है डाइकॉट। तो क्वेश्चन पूछा है डाइकॉट में कैसा रूट सिस्टम है, देन गो टू द आंसर, टैप रूट सिस्टम आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द डाइकॉट प्लांट। सेकेंड वन फाइब्रस रूट सिस्टम्स, तो फाइब्रस रूट सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन व्हीट, वी कैन से व्हीट आर द मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट्स। तो इन केस ऑफ द मोनोकॉट व्हिच टाइप ऑफ रूट सिस्टम्स, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। लास्ट वन एडवांटेजियस रूट सिस्टम्स, तो सम प्लांट आर द बेनियन ट्री डाइकॉट, दे आर द डाइकॉट, ग्रासेस आर द मोनोकॉट, मोनस्टेरा मोनोकॉट। तो हमने देखा एडवांटेजियस रूट सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, दे आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो यहां से हमें प्रेजेंस पता चल गई कौन सा रूट सिस्टम कहां पे प्रेजेंट है। अब थोड़ा आइडिया लेंगे ये होते क्या है, कैसे ग्रो होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, लास्ट हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। याद रखना हम जो काम कर रहे हैं कौन सा मॉडल है, लेक्चर्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस एल एन क्यू मॉडल, ठीक है। तो ये हमने देखा कि मोनोकॉट में कौन सा है, डाइकॉट में कौन सा है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में कौन सा रूट सिस्टम प्रेजेंट है। तो वन बाय वन करके डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज टैप रूट सिस्टम, फर्स्ट वन टैप रूट सिस्टम। इन केस ऑफ द टैप रूट सिस्टम्स, ओके टैप रूट सिस्टम, तो सबसे पहले मैं कहूं कि हमारा रूट थेटा फॉर्म्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिकल्स, एक पार्ट है रेडिकल, रेडिकल ग्रो होगा और रेडिकल ग्रो होने के बाद में रूट बनेगा, ये क्या बनाएगा फॉर्म्ड रूट, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। तो रेडिकल से बनने वाला रूट कौन सा, दे आर द प्राइमरी रूट, क्या कहेंगे प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट जैसे जैसे ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद में दे आर डिवाइडेड टू द सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ये फॉर्म करेगा सेकेंडरी रूट, ये फॉर्म करेगा टर्शियरी रूट। ध्यान से सुनिए क्या बताया मैंने, हमारा सबसे पहला पार्ट है रेडिकल्स सीड के अंदर, रेडिकल से बनने वाला पहला रूट जो होगा दे आर कॉल्ड प्राइमरी रूट, क्या कहेंगे दे आर द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से अराइज होंगे बहुत सारे क्या सेकेंडरी रूट, बहुत सारे टर्शियरी रूट। बात समझे नहीं समझे, मैंने अभी इतना सिखाया आपको, रेडिकल से बनने वाला पहला रूट प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से बनने वाला रूट, बनने वाले बहुत सारे रूट सेकेंडरी। तो ऐसे समझिए डायग्राम की हेल्प से, मैं बोला दिस इज द रेडिकल्स, ये क्या है एक रेडिकल है, इस रेडिकल से रूट बना, ये बन गया एक रूट बन गया, हम कह रहे हैं दिस इज द प्राइमरी रूट, दिस इज द प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट से डिवाइड होके यहां से कुछ नए रूट बनेंगे, ये बन गए रूट, ये कुछ रूट बन रहे हैं, इन रूटों को क्या बोलेंगे दे आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट, क्या कहेंगे सेकेंडरी रूट। तीसरा मैं कहूँ इससे फर्दर रूट ब्रांचिंग बन जाए, इस तरह से और रूट डिवाइड हो जाए, ये बन गया, ठीक है। तो ये जो होंगे दे आर कॉल्ड टर्शियरी रूट। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया है प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड द टर्शियरी रूट। तो बात समझ में आई, प्राइमरी रूट क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा,
अट्रेसिव क्या होगा। एनसीईआरटी हमारे यही लिखती है, हेरिटिकल से बनने वाला रूट प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट ब्रांच करके सेकेंडरी रूट बनाएगा, सेकेंडरी रूट फर्दर ब्रांच होकर ट्रसिव रूट बनाएगा। तो फिर टैप रूट सिस्टम क्या है, तो इन सभी रूट को मिला के जो सिस्टम बनेगा दे आर कॉल्ड टैप रूट सिस्टम्स। तो मैंने बोला कि सभी को एक साथ इंक्लूड कर दें हम, अगर हम क्या करें, अगर हम इंक्लूड कर दें कि यहाँ पे प्राइमरी रूट भी है, सेकेंडरी भी है, ट्रसरी भी है, सभी रूट सिस्टमों को एक साथ मिला दें ये सभी को, तो जो रूट सिस्टम बनेगा इस टाइप का जो दिखेगा दैट इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। तो बात समझ में आई या नहीं, हाँ या ना, यस या नो? तो टैप रूट सिस्टम क्या है, दे आर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ट्रसरी रूट टूगेदर इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि टैप रूट सिस्टम्स दे आर फॉर्म्ड कैसे बनेगा, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और ट्रसरी रूट सभी का कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम ग्रुप, ग्रुप ऑफ प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ट्रसरी रूट। तो इन सभी ग्रुप को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। तो बात समझ में आई नहीं, ठीक है? तो टैप रूट सिस्टम्स इस तरह का जो भी मैंने डायग्राम में यहाँ पे मेंशन किया है, डायग्राम में शो किया है कि कैसा होता है इस टाइप का रूट सिस्टम जो बनेगा, ये होता है टैप रूट सिस्टम। तो कैसे बना, तो हम एक लाइन में लिख लेंगे टैप रूट सिस्टम आर फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल रीजन ऑफ सीड्स दैट इज प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट will form secondary root and tertiary root। इन सभी को एक साथ बोलेंगे और different type of root primary, secondary and tertiary will formed tap root system। तो हमने सीखा कि tap root system एक साथ सभी को मिला के बोला जाता है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो। चलिए नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल हमने इंक्लूड किए थे कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स, जिसे मैंने बोला था मस्टर्ड। मस्टर्ड की फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रैसिकेसी। कौन सी फैमिली, ब्रैसिकेसी। याद रहा, ब्रैसिकेसी क्या है, एक प्लांट की फैमिली है जो कि नई इंक्लूड हुई है इस बार, याद रखना है। ये क्या है, हम कहें डाइकॉट जितने प्लांट हैं सभी में ये सिस्टम होगा। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब यहाँ पे हमने देखा, देखो सेम चीज डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम बता रहे हैं। तो पहला क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम टैप रूट सिस्टम। तो ये मैंने यहाँ पर टैप रूट सिस्टम की बात की, यहाँ से प्राइमरी रूट हो गया, ये बनने वाला कौन सा है, प्राइमरी रूट। अब इससे ब्रांच बनेंगे, प्राइमरी रूट क्या है, जो मेन रूट होगा दे आर कॉल्ड प्राइमरी रूट। इससे लेटर ब्रांचेज निकल गई, लेटर ब्रांच सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकती है, ठीक है। तो टर्शियरी सेकेंडरी सभी को मिला के बोला जाता है टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो मेंशन है एनसीईआरटी में, तो इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट सभी को मिला के टैप रूट सिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ पे टैप रूट सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आएंगे हम सेकंड वाले फाइबरस रूट को, बाद में डायग्राम में लास्ट में कंपेरिजन कराऊंगा, पहले हम आते हैं किस पे, फाइबरस रूट। पहले क्या पढ़ेंगे, फाइबरस रूट। देखिए फाइबरस रूट क्या है, फाइब्रस रूट जो होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम, क्या पढ़ने हम, फाइब्रस रूट सिस्टम।
फाइब्रस रूट सिस्टम के केस में याद रखना होगा हमें कि जो फाइब्रस प्राइमरी रूट जो होते हैं क्या कहेंगे इन मोनोकॉट प्राइमरी रूट आर शॉर्ट लाइव्ड मतलब इस चीज को इस तरह समझिए जो हमारा प्राइमरी रूट बना प्राइमरी रूट बन तो गया है मोनोकॉट में प्राइमरी रूट कौन सा है रेडिकल से जो बना कौन सा बना रेडिकल ने रूट बनाया प्राइमरी रूट लेकिन ये कैसा होता है शॉर्ट लाइव एफीमरल एफीमरल कंडीशन ये एफीमरल कंडीशन हम टर्म यूज करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऐसा नहीं है एक बार बन गया पूरी जिंदगी के बाद उसके साथ रहेगा कुछ टाइम रहेगा उसका उसकी डेथ हो जाएगी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट लाइव के लिए होता है शॉर्ट लाइव वह कुछ ही टाइम जिंदा रहेगा उसके बाद में प्राइमरी रूट खत्म हो जाएगा अगर प्राइमरी रूट खत्म हो जाए तो ऐसे प्लांट में किस तरह से वाटर का मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा सोचने वाला पॉइंट है कि अगर रूट नहीं होगा प्राइमरी रूट ही नहीं होगा तो कैसे रूट करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा तो लोअर नोड से बेस ऑफ द नोड क्या कहेंगे लोअर ऐसे प्लांट में मैनी रूट एराइज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट क्या कहेंगे हम मैनी रूट एराइजिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट सिंगल कॉमन एक्सिस कॉमन एक्सिस तो इस टाइप के केस में बहुत सारे रूट मैनी रूट दे आर अराइजिंग फ्रॉम कॉमन एक्सिस एंड फॉर्म मैनी रूट और बहुत सारे रूट बनाएंगे ये कहां से आएंगे मैनी रूट अराइजिंग फ्रॉम ए सिंगल कॉमन एक्सिस ये सिंगल कॉमन एक्सिस क्या है यहाँ पे मैंने लिखा सिंगल कॉमन एक्सिस ये सिंगल कॉमन एक्सिस की जो बात हो रही है ये हो रही है बेस ऑफ स्टेम बेस ऑफ स्टेम इस स्टेम के बेस रीजन से बहुत सारे मैनी रूट अराइज होंगे दे आर कॉल्ड दे आर फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम जैसे मैं एक डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करें हम ये हमारा रेडिकल रीजन था रेडिकल से जो भी प्राइमरी रूट बना कुछ टाइम में खत्म हो गया अब यहाँ से ऐसे एक रूट निकला इससे बेस से इस तरह से क्या है ये कहेंगे हम ये कौन सा रीजन है रेडिकल से बनने वाला रूट तो खत्म हो गया सबसे पहले रेडिकल से रूट बना अब ये क्या था कुछ टाइम में ही डेथ हो जाती है ऐसे रूट की मतलब ये कौन सा रूट था प्राइमरी रूट अब इससे क्या होगा ये जो ये है बेस ऑफ स्टेम बेस ऑफ स्टेम से अराइज मैनी रूट इससे कॉमन ऐसे बहुत सारे रूट बने इन सभी रूटों को मिला के बोलते हैं फाइब्रस रूट मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है डाइकॉट में ब्रांचिंग देखने को मिलना है लेकिन फाइब्रस रूट सिस्टम के केस में ब्रांचिंग नहीं है फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या नहीं है ब्रांचिंग देखने को नहीं मिली है याद रखना फाइब्रस रूट सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स इसलिए हम एग्जांपल इंक्लूड करेंगे दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट हाँ प्रेजेंट है मोनोकॉट प्लांट के केस में फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने वीट बता दिया एक मोनोकॉट प्लांट का एग्जांपल है वीट राइट तो यह हमने सीखा फाइब्रस रूट सिस्टम अब आता थर्ड वाला रूट सिस्टम हमारा दैट इज कॉल्ड थर्ड एडवांटेजियस रूट सिस्टम ये क्या है एडवांटेजियस रूट सिस्टम्स मतलब प्लांट में रेडिकल के अलावा किसी डिफरेंट पार्ट से रूट बने सच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड एडवांटेजियस रूट सिस्टम्स जनरली रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम रेडिकल रीजंस बट इन केस रूट आर फॉर्म फ्रॉम अदर देन रेडिकल्स किसी लीफ से बन जाए स्टेम से बन जाए
ऐसे रूट को बोलते हैं एडवांटेजस रूट सिस्टम। हम क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रूट, फॉर्मेशन ऑफ रूट अदर देन रेडिकल्स, अदर देन रेडिकल। तो रेडिकल के अलावा अब किसी डिफरेंट पार्ट से रूट बनेगा, सच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड एडवांटेजस रूट सिस्टम्स। मतलब इस चीज को याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं, प्लांट हैव द एडवांटेज, प्लांट के पास में एडवांटेज है, दे कैन फॉर्म रूट्स डिफरेंट पार्ट्स अदर देन रेडिकल्स। पर रूट बनाने का काम भगवान ने किसने दिया, रेडिकल को फंक्शन मिला, रेडिकल विल फॉर्म रूट, रेडिकल रूट बनाएगा। लेकिन प्लांट के स्टेम ने भी रूट बना लिया, प्लांट के लीफ से भी रूट बन जाता है कई केस में। तो ऐसे रूट को बोलते हैं एडवांटेजियस रूट सिस्टम अदर देन रेडिकल्स। मतलब हम कह सकते हैं रूट किससे बने, रूट फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेम और लीफ रीजन। इन पार्ट से अगर स्टेम या लीफ से रूट बने, सब टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड एडवांटेजियस रूट सिस्टम। एडवांटेजियस रूट सिस्टम में हम दो तीन रूट के एग्जांपल इंक्लूड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक इंक्लूड करता हूँ एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे प्रॉप रूट सिस्टम्स। क्या कहेंगे, प्रॉप रूट सिस्टम। सेकंड में कहूंगा यहाँ पे स्टिलेट रूट। प्रॉप रूट देखें, स्टिलेट रूट देखें, ठीक है, ये सब क्या है, ये वो रूट हैं जो रूट हेल्प करते हैं, हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट में काम करेंगे, लेकिन अराइज होते हैं स्टेम से, फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेम। जब स्टेम से रूट बन गया तो क्या कहेंगे, एडवांटेजियस रूट सिस्टम। क्या कहेंगे, एडवांटेजियस रूट सिस्टम्स। तो मैंने आपको सिखाया यही सिखाया कि रूट कैन फॉर्म फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स। वो डिफरेंट पार्ट क्या है, एडवांटेजियस स्टेम है या लीफ है। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए थे पहले ही, मोनस्टेरा और मोनस्टेरा इधर के ये रहे, मोनस्टेरा ग्रासिस एंड बेनियन टेरी। तो बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन कर लो डायग्राम को एनसीईआरटी के, तो यहाँ पर डायग्राम का कंपैरिजन करें तो दिस इज द फाइब्रस रूट सिस्टम्स, दिस इज द एडवांटेजियस रूट सिस्टम्स। तो एडवांटेजियस रूट सिस्टम, ये मोनस्टेरा प्लांट में दिखाया गया है कि स्टेम से रूट बनना, ये क्या है, दिया द स्टेम रीजन। स्टेम ने क्या बनाया, ये फॉर्म कर रहा है रूट, इस टाइप से बनने वाला रूट क्या होगा, एडवांटेजियस रूट। ये क्या है, एक मोनोकॉट प्लांट है, क्या है, एक मोनोकॉट है, मोनोकॉट में जैसे वीट दे दिया, ये क्या है, ये वीट दिया हुआ है, मान लिया वीट है ये, और वीट के कॉमन पॉइंट से बहुत सारे रूट बन गए, ये क्या है, मैनी रूट। ऐसे रूट को बोलेंगे फाइब्रस रूट। ये कहां पर है, मोनोकॉट में है, ये किस में है, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में है। बात समझ में आई, तो ये हो गए रूट्स के टाइप। तो जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, हमें पढ़ना होता है सभी मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात की, तो हमने रूट के डिफरेंट टाइप या स्ट्रक्चर की बात कर ली है, चाहे जितने भी डिफरेंट टाइप का रूट मिलेगा वो बात कर ली। स्ट्रक्चर के बाद में दूसरा पॉइंट आता है, हम बात करते हैं फंक्शंस की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है उसके हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन की, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर में एक पार्ट बचा है, इस पार्ट को देखें तो अभी ना मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर देगा, बाहर का स्ट्रक्चर देगा, ये दिखाया गया यहाँ पे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये क्या है, रीजन ऑफ रूट, क्या है, रीजन ऑफ रूट। अब यहीं पे बात करेंगे रूट टाइप्स ऑफ रूट हो गया, अब आते हैं रीजन ऑफ रूट, क्या है, रीजन ऑफ रूट क्या होता है, रीजन ऑफ रूट
इसकी बात करेंगे। रीजन ऑफ प्रोटो मतलब ये है कि कितने डिफरेंट टाइप का रीजन प्रेजेंट होता है, कौन कौन से रीजन प्रेजेंट होते हैं रूट के केस में। इसको अगर मैं याद करने का एक ट्रिक बोलूं तो मैं बोलूं राम ई राम, तो क्या है ये राम ई राम। तो आर का मतलब होता है यहाँ पे रूट का कैप, क्या है रूट का कैप। एम का मतलब होता है मैरिस्टमैटिक रीजन, मैरिस्टमैटिक रीजन। तीसरा मतलब है ई, ई फॉर इलोंगेशन, इलोंगेशन। आर का मतलब होता है रूट हेयर, ये वो रीजन है यहाँ से रूट हेयर अराइज होते हैं। एम का मतलब है मैच्योरेशन, मैच्योरेशन रीजन, मैच्यो हो चुके हैं सेल्स। तो वही रीजन यहाँ पे बताए गए हैं, सो कैसे याद रखना। सबसे पहले मैं बोला कि यहाँ पे ये वाला रीजन बताया मैंने, ये पहला वाला आर, ये आर ये वाला रीजन है रूट कैप। फिर दूसरा आ गया मैथमेटिक रीजन ऑफ मैथमेटिक रीजन, एक और रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी, मतलब इसको मैंने इंक्लूड किया मैथमेटिक सेल्स यहाँ पे, कौन सा रूट एपिकल मेरिस्टेम्स मैथमेटिक सेल्स हैं यहाँ पे। तीसरा है इलोंगेशन रीजन, तो पहला रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन ये हो गया, तीसरा हो गया इलोंगेशन रीजन। इलोंगेशन रीजन में फिर भी हो इलोंगेशन वाला ये हो गया पार्ट, दूसरा हो गया रूट हेयर, रूट हेयर वाला पार्ट कौन सा है, फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे रूट हेयर्स। रूट हेयर इंक्लूड करने के बाद में फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा मैचुरेशन रीजन, ये क्या है मैचुरेशन रीजन, दे आर प्रेजेंट ऑन फाइव पॉइंट। तो मैंने उसी चीज को याद कराने का यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक दिया आपको, राम ई राम, रूट कैप वाला रीजन, मैथमेटिक रीजन, इलोंगेशन, रूट हेयर एंड मैचुरेशन रीजन, याद हो जाएगा। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द रूट, वी कॉल देम फाइव टाइप ऑफ रीजन। तो यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड किया हमने यहाँ पे रूट का कैप, ये कैप लगा दिया। रूट का कैप का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन में, क्या काम होता है, ये काम करता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करेगा रूट को, प्रोटेक्शन। दूसरा काम है मैथमेटिक सेल्स, यहाँ पे सेकंड वाला रीजन है मैथमेटिक वाला, यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, कैसे एक्टिवली डिवाइडिंग, ये सेल्स काफी एक्टिवली डिवाइड करते हैं, ऐसे सेल्स को बोलते हैं मैथमेटिक सेल्स, मैथमेटिक सेल्स। मैथमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जिस सेल्स का साइज छोटा होता है, एक्टिवली डिवाइड सेल्स होते हैं, लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे सेल्स को बोलते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स या मैथमेटिक सेल्स, और साइटोप्लाज्म डेंस होता है। तो ध्यान रखना इलोंगेशन सेल्स, तो देखो यहाँ पे रूट हेयर है, रूट हेयर का काम होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये क्या करेगा वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा। जब वाटर और मिनरल्स के अंदर जाएगा तो यहाँ पे वाटर बढ़ रहा है, मिनरल्स भी पहुंच रहे हैं, तो उस कंडीशन में नीचे भी वाटर मूव करेगा, वाटर जो नीचे मूव करेगा, अभी नीचे वाले सेल्स ऐसे थे जो कि अभी अभी जल्दी बने थे, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, यहाँ पे सेल्स थोड़े थोड़े कैसे थे, अभी न्यूली बॉर्न थे, वहां पे सेल वॉल रिजिड नेचर में नहीं आया था। अब जब इसका प्रेशर बढ़ेगा, वाटर इंक्रीज होने से उसका ट्रगर प्रेशर बढ़ता है, वाटर की वजह प्रेशर बढ़ता है, तो सेल का साइज जो शेप होता है वो इलोंगेट कर जाता है। अभी क्या नए नए सेल्स थे तो वो इलोंगेट हो गए, तो हम कहते हैं इलोंगेशन रीजन है। सेल्स क्या कर गए, सेल इलोंगेट हो गए, ऐसे लंबे लंबे सेल्स हो गए इलोंगेशन, तो नाम दे दिया इलोंगेशन रीजन। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ये हुआ कि मैथमेटिक सेल्स थे वो अभी अभी नए नए बने थे, और जब वाटर एंट्री करने लगा, वाटर के प्रेशर की वजह से, ट्रगर प्रेशर की वजह से सेल्स का सेल वॉल इलोंगेट कर गया, ऐसे सेल्स को नाम दे दिया इलोंगेशन रीजन्स, ऐसे रीजन बोला रीजन ऑफ इलोंगेशन, राइट। अब ये वाला रूट ये वाला पता ही है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और सेल वॉल का डेफिनेट फेज बनता जा रहा है, परमानेंट शेप बनते जाते हैं, और उसका शेप चेंज नहीं होगा, फिक्स हो चुका शेप, तो ऐसे रीजन बोलेंगे मैच्योरेशन रीजन, ऊपर होगा बात समझ में आई, ठीक है मैच्योरेशन रीजन। और हमेशा याद रखना जो मैं बोला रूट हेयर है, तो यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ, रूट हेयर जो बनते हैं हेयर एराइज फ्रॉम, एराइज फ्रॉम एपिडर्मस सेल्स, एपिडर्मिस सेल्स, मतलब अगर मैं एक टर्म यूज करूं एपिडर्मिस सेल्स, एपी
the miss cells. Elongate to form root hair. Root hair. मैंने बहुत बड़ी बात कह दी कि एपिडर्मिस का सेल्स होता है, कोई भी एपिडर्मिस का सेल्स, ये था एपिडर्मिस का सेल्स, अब ये क्या इलोंगेट कर गया, इस तरह से इलोंगेट करके जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं हमने रूट हेयर। तो रूट हेयर कौन सा सेल्स है, हम बोले सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का सेल्स है। तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, तो कितने सेल्स है यहाँ पे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तो हम बोलेंगे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो रूट हेयर कैसा है, एपिडर्मिस का सेल्स कैसा स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर, कैसा है, यूनिसेलुलर। हर सेल्स का एक लाइफ स्पैन होता है, दैट्स व्हाई देयर एफीमरल कंडीशन कैसी होती है, एफीमरल कंडीशन। मैं पहले बता चुका हूं एफीमरल कंडीशन क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, परमानेंट नहीं है। उस सेल्स का जैसे लाइफ स्पैन खत्म होगा एक नया सेल्स फिर से रूट हेयर बना देगा। तो बहुत सारे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस का सेल्स इलोंगेट करता है और रूट हेयर का स्ट्रक्चर लेता है, और जिसका काम हो जाता है, फंक्शन हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। मैकेनिकल सपोर्ट, रूट का काम मैकेनिकल सपोर्ट भी है, मैकेनिकल सपोर्ट, रूट का काम स्टोरेज भी है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को भी स्टोर करता है। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो सकते हैं एक रूट के, मैकेनिकल सपोर्ट हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट वाटर मिनरल्स हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब फंक्शन हो जाते हैं एक रूट के। तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक, हमने जो सीखा है रूट पढ़ा, रूट के टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स के बाद में तीन टाइप्स का देखा, टैप रूट सिस्टम, फाइबर रूट सिस्टम्स, और लास्ट में हमने सीखा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। फिर हम आगे रीजन पे आ गए, तीन तरह के रीजन में आए, तो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हमने तीन तरह का रीजन बताया, एक तो रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट में कौन कौन से हैं ये सब बताया, मैं पांच पॉइंट बात की, क्या बोला मैंने यहाँ पे रीजन ऑफ रूट, यहाँ पे हेडिंग आप डालेंगे क्या, रीजन ऑफ रूट। तो कितने रीजन है, सभी रीजनों को याद रखने, तो हमने फाइव रीजन बताए, फाइव रीजन कौन कौन से हैं वो यहाँ पे डिस्कस है, राम या राम के पॉइंट में याद हो जाएगा। या फिर मैंने लास्ट में फंक्शंस की बात कर ली, रूट के क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो हमने देखा रूट के डिफरेंट टाइप के फंक्शन बताए, और लास्ट बचता है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। वेलकम बैक, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को। तो हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मतलब मेन फंक्शन जो होता है रूट का, दैट इज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। भगवान ने रूट बनाया प्लांट में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि उसको मॉडिफाई होना पड़ा, फंक्शन को चेंज करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब प्लांट को ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि उस फंक्शन चेंज करना पड़ा, तो उसे तीन तरह के फंक्शन चेंज करे गए, कि कुछ प्लांटों में रूट मिलता है फॉर द रेस्पिरेशन, कुछ प्लांटों में मिलेगा स्टोरेज के लिए, और कुछ होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो मैंने यहाँ बताया कि प्लांट ने मॉडिफाई किया फंक्शन फॉर रेस्पिरेशन, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले मैं कहूंगा रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेशन, जो मॉडिफिकेशन हुआ रूट का रेस्पिरेशन के लिए, तो यहाँ पे एक रूट आता है, दे आर कॉल्ड निमेटोपोर, निमेटोपोर, निमेटोपोर क्या है, एक रेस्पिरेटरी रूट है जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन रेस्पिरेशन, कैसे करते हैं, हेल्प इन रेस्पिरेशन। देखिए कुछ प्लांट होते हैं ऐसे मैंग्रोव ट्री, जैसे मैं एक एग्जांपल इंक्लूड करूं, मैंग्रोव ट्रीज, मैंग्रोव ट्री वो ट्री होते हैं जो कि सी कोस्टल में मिलते हैं, ऐसे सॉइल में मिलते हैं, प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर लॉक सॉइल, वाटर लॉक
ऐसे जो यहाँ पे वाटर भरा रहता है, बहुत सारा पानी हो, तो ऐसे रिजर्व मिलेंगे कौन से, मैंग्रोव ट्रीज। ठीक है, अब ये प्लांट क्या करेंगे, मैंग्रोव ट्रीज जो है यहाँ पे सॉइल में वाटर फ्लो होने की वजह से, माना कि सॉइल है, सॉइल में बहुत सारे वाटर है, वाटर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। अब ये क्या करेंगे, ये प्लांटों के जो रूट है ये बाहर इस तरह से आएंगे, बाहर आएंगे और यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ इस तरह से होलाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो कहते हैं निमेटोफोर। निमेटोफोर, इस निमेटोफोर का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस, ये गैस के एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। मतलब यहाँ से क्या ऑक्सीजन होगा इन, और बदले में क्या होगा, CO2 होगा आउट। ऑक्सीजन इन होता है और CO2 आउट होता है, बिल्कुल सेम वे जैसे हमारी सेल्स करती है एनिमल्स में होता है, ऑक्सीजन इन होता है और CO2 आउट होता है, तो प्लांटों में भी होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिससे कि इन प्लांटों में ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज हो सके, क्या बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएंगे। ऐसा समझिए अगर किसी रीजन में, किसी एरिया में बाढ़ आ जाए, अगर यहाँ पे करें वहां पानी भरा रहे बहुत टाइम तक, तो प्लांट सूख जाता है वाटर की कमी से। वो क्या होता है वो मैं फिर बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए रीजन होता है डिफरेंट टाइप का, मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है जिसकी वजह से वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है, एक ग्रेडिएंट नहीं बन पाता, एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं बन पाता। ठीक है, तो इतना याद रखिए, अभी इन प्लांटों में क्या रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है रूट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बात करूं सेकंड, तो सेकंड का एक नियम, दूसरा फंक्शन मॉडिफिकेशन होता है स्टोरेज। क्या स्टोर करेगा प्लांट, स्टोरेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। तो बहुत सारे प्लांट में कहाँ कहाँ पे मेन फंक्शन जो होता है स्टोरेज का, रूट में होता है, लेकिन कुछ प्लांटों में क्या, रूट में भी फूड स्टोरेज होता है, कुछ प्लांटों में स्टेम में भी देखने को मिलेगा। जैसे रूट में देखने को मिलेगा इनकेस ऑफ द कैरेट, ठीक है, इन केस ऑफ द स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, यहाँ पे क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। इस टाइम के केस में देखेंगे पोटैटो, मतलब प्लांट ने अपने आप को मॉडिफाई किया, स्टेम को मॉडिफाई कर दिया, रूट को मॉडिफाई कर दिया फूड स्टोरेज के लिए, स्टेम को मॉडिफाई कर दिया फूड स्टोरेज के लिए। एक हमने देखा कि स्टोरेज ऑफ फूड दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ऑल्सो। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में है अभी ये था कि रूट का मॉडिफिकेशन कौन सा है, तो याद रखना रूट का मॉडिफिकेशन क्या है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है। अगला आता है थर्ड फंक्शन रूट का है, दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट ये भी एक मॉडिफिकेशन है, मेन फंक्शन नहीं है। मैकेनिकल सपोर्ट कुछ प्लांटों में देखने को मिलता है, जैसे मैं दो तरह के रूट बताऊंगा यहाँ पे, एक कहते हैं हम प्रॉप रूट, रॉक रूट, और दूसरे होते हैं स्टिलेट रूट, स्टिलेट रूट। यहाँ ये रूट दोनों को समझिए, प्रॉप रूट सिस्टम मिलता है इन केस ऑफ बेनियन ट्री, बेनियन ट्री, और स्टिलेट रूट सिस्टम मिलता है देखने को इन केस ऑफ शुगर केन, शुगर केन, और मिलता है सोरगम, सोरगम मतलब ज्वार। तो शुगर केन के केस में स्लिट रूट है, स्लिट रूट क्या होते हैं, जो वहां पे गन्ना है, शुगर केन है, उसके लोअर नोड से इस तरह से कुछ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं, ऐसे रूट को कहते हैं स्लिट रूट। प्रॉप रूट सिस्टम बड़े बड़े प्लांट में जब बनियान ट्री हो गया, अब इसमें क्या होगा, इसकी जो ब्रांच है उन ब्रांचों से कुछ रूट आएंगे और वो रूट निकल के ऐसे पहुंच जाए सॉइल तक, ग्राउंड को टच करते हैं, अगर ग्राउंड को टच करें ऐसे रूट को, रूट को बोलते हैं प्रॉप रूट सिस्टम। तो है ना, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं रूट। ठीक है, एग्जांपल में यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, तो एग्जांपल से क्वेश्चन होता है, मॉडिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आता है मॉडिफिकेशन से। तो थैंक यू। तो देखो बच्चों, अभी हमने अपना लेक्चर कंप्लीट किया है कि मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें से सबसे पहला टॉपिक था हमारा रूट, और रूट को हम थोड़ा एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन कंपेरिजन करेंगे, आगे उसके क्वेश्चन को तरफ मूव करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि मॉर्फोलॉजी का डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को देखना मॉर्फोलॉजी बोला जाता है, और इस कंपेरिजन करेंगे रूट का पढ़ा हमने। तो हमने जो लास्ट लेसन में रूट को डिस्कशन किया, तो यहाँ पे बोला गया मेजोरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स डाइट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल्स। तो यही कह रहा है कि रेडिकल्स होगा, रेडिकल्स इलोंगेट करेगा और इलोंगेट होकर प्राइमरी रूट बनाएगा। कौन सा रूट होगा, प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट से बनेगा सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट बनेगा। ठीक है, और सेकेंडरी रूट से बनता है टर्शियरी रूट। तो
ऐसे डिफरेंट टाइप के रूट बनेंगे और सभी को मिला के एक साथ बोला जाता है टैप रूट सिस्टम। मैंने बोला कि इन सभी को मिला दो इस टाइप के रूट सिस्टम को बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। तो ये चीज हमने सीखी कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है, तो एनसीईआरटी कवर हो गया। आगे देखते हैं हम, ये देखने को मिलता है मस्टर्ड प्लांट में, तो मस्टर्ड मैंने एग्जांपल इंक्लूड किया था और साथ में बताया कि मस्टर्ड एक डाइकॉट प्लांट है। यहाँ पर मैंने बताया कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि ये डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा टैप रूट सिस्टम। साथ ही हम देखें मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स में होता है शॉर्ट लाइव होते हैं प्राइमरी रूट जो होते हैं, ये आपको मैं सिखाया प्राइमरी रूट होते हैं जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडिकल से बनने वाला रूट प्राइमरी रूट है लेकिन देर जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, एफीमर कंडीशन होती है। ऐसे रूटों को बोला गया था फाइब्रस रूट सिस्टम्स, जो कि प्रेजेंट होता है व्हीट प्लांट में। मैंने भी ये इंक्लूड किया था व्हीट प्लांट में होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम है तो ये मोनोकॉट प्लांट है, मैंने इंक्लूड किया कि मोनोकॉट के केस में फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा। अगला था कि कुछ प्लांट है जैसे ग्रासेस हो गया, मोनस्टेरा हो गया, बेनियन ट्री हो गया, यहाँ पे रूट जो होते हैं अदर देन द रेडिकल्स, तो रूट जो बनेगा रेडिकल्स के अलावा किसी दूसरे पार्ट से बनेगा, ऐसे रूट को बोलते हैं एडवांटेजियस रूट सिस्टम्स। ये मेरी लैंग्वेज थी, ये मेरी लाइन थी, ठीक है। फंक्शन जो होता है मैन एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, प्रोवाइड द प्रॉपर एनकरेज, प्रॉपर एंड का मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो हमने देखा कि प्लांट हार्मोन जो होते हैं फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स को भी बनाता है कौन, रूट। तो ये इसके हो गए, तो मैंने इसके पार्ट्स को यहाँ पे इस डायग्राम से डिस्कशन किया। तो ये क्या है, फ्लावर हो गया, तो ये जो क्या बड रीजन होता है इस कॉमन एक्सिस से जो बनता है, ये नोड रीजन हो गया, मतलब इस तरह समझिए मैं कहूँ यहाँ पे ये नोड रीजन, नोड रीजन, नोड रीजन, दो नोड के बीच में इंटर नोड होता है, क्या होता है इंटर नोड, दिस इज नोड और दिस इज द इंटर नोड। नोड रीजन से ही हमेशा बड बनता है, नोड से क्या बनता है बड। इस चीज को इस तरह समझिए जैसे आपने शुगर केन गन्ने के केस में देखा होगा, शुगर केन के केस में कि वहाँ पे बड प्रेजेंट होगा और ये बड जो होता है ये कुछ टाइम के लिए यहाँ से ही ऐसे ब्रांचेज बनती हैं, लीफ बनते हैं, तो ये कहते हैं बड है। ये प्राइमरी रूट हो गया, सेकेंडरी रूट हो गया, तो ये हो गया टैप रूट सिस्टम वाला। और जो भी प्लांट इंक्लूड किया होगा ये कैसा रूट दिख रहा है पे, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे टैप रूट, बात समझ में आई। तो ये सब हम डायग्राम डिस्कस कर लिए हैं, ये हमारा टैप रूट सिस्टम का, ये फाइब्रस रूट सिस्टम का, ये एडवांटेजियस रूट सिस्टम का। और डिटेल में डायग्राम को देखा गया कि ये क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे रूट बता दिए एडवांटेजियस रूट, फाइब्रस रूट एंड द ये हो गया हमारे टैप रूट। मेन रूट से बहुत सारे ये लेटर रूट बोला गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जितने भी रूट बना दो सबको बोलते हैं लेटर रूट। तो लेटर रूट जो आते हैं वो पेरिसाइकल रीजन से आते हैं, कौन से पेरिसाइकल, या एनाटॉमी डिस्कशन होगा, पेरिसाइकल रीजन से लेटर रूट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने बात की, डिस्कशन किया कि रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट में वही मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया था कि राम ई राम, तो ई फोर क्या है इलोंगेशन, आर फोर रूट कैप, एम फोर मैस्मेटिक रीजन्स, आर ए एन इलोंगेशन रीजन्स, ये क्या है इलोंगेशन रीजन्स, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट हेयर रीजन्स और लास्ट में होगा मैचुरेशन रीजन्स। उन पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कशन किया, ठीक है। मैस्मेटिक रीजन को बताया कि एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स होते हैं, मैस्मेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, स्मॉल साइज होता है, थिन वॉल होगी, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, दी आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैस्मेटिक सेल्स। तो आप मैंने बताया है कि प्रॉपर्टी को बोल के, ठीक है, तो क्या होता है कि जो मैस्मेटिक सेल्स होती है उसको मैं एक डायग्राम में बताऊँ तो ये कहेंगे हम कि मैस्मेटिक सेल्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेल्स होता है छोटे साइज का सेल्स है, और छोटे साइज के सेल्स के अंदर बहुत बड़ा सा एक न्यूक्लियस है, क्या है अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, और सेल्स का साइज क्या है स्मॉल है। जो छोटे सेल्स में बहुत बड़ा न्यूक्लियस होगा उसके साइटोप्लाज्म को बोलेंगे डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। अब ऐसे सेल्स होते हैं तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अगर ये चेंज हुआ तो ऐसे सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं, क्या कहते हैं
एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जनरली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बताएं, इनके सेल वॉल अभी नए बने हैं, पतली सेल वॉल होती है, थिन 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 पतली सेल वॉल होगी, याद रखना। तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है मेरिस्टमेटिक सेल्स की। तो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, देखो क्या है प्रॉपर्टी, सेल जो है कैसे हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग, वेरी स्मॉल सेल, थिन वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रूट लेंथ, ये सब, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रूट हेयर। रूट हेयर कहाँ से आते हैं, रूट वर्क मतलब एपिडर्मल सेल्स होते हैं, मैंने ये बताया जाता है कि एपिडर्मिस का सेल्स ही एलोंगेट होकर रूट हेयर बनाता है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्लूड किया कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर है और शॉर्ट लाइफ है, परमानेंट नहीं होते, क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए होगा, उसके बाद नया रूट बनेगा। इंक्लूड किया मैंने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। तो बात समझ में आई, तो सब कुछ को हमने हर चीज को हर पॉइंट को कंपैरिजन कर लिया है, ठीक है, रूट के, ठीक है। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर हो गया, एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा दिया है उसका आपको रीजन पता चलेगा, जो आप लोगों का क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा, नीट का क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा, वहां पर देखोगे कि दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पार्ट। चलिए थैंक यू बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मेज फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम। तो हमने देखा मेज जो है दे आर द मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट, हमने सीखा था कि मोनोकॉट में जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है दे आर डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ नोड, बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से बनने वाला रूट जो होगा फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ऐसा होता है यहाँ पे जो प्राइमरी रूट बनते हैं मोनोकॉट के केस में, ये कुछ ही टाइम में खत्म हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं दे आर द शॉर्ट लाइफ, कुछ समय के लिए होते हैं। उसके बाद में बहुत सारे रूट बनते हैं एक ही कॉमन पॉइंट से, ऐसे रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट, क्या कहते हैं फाइब्रस रूट। तो इसलिए हमारा आंसर जो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, तो फर्स्ट ऑप्शन बोला गया लोअर नोड्स गलत हो जाएगा, अपर नोड ये भी गलत होगा, अपर इंटर नोड नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज में क्या होता है बेस ऑफ स्टेम, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ, तो हम जाते हैं स्वीट पोटैटो है जो हम शकलगंध कहते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो हमेशा नीट में एक क्वेश्चन मिलता है मॉडिफिकेशन से, चाहे वो रूट के मॉडिफिकेशन से आए, चाहे स्टेम के मॉडिफिकेशन से आए, चाहे आए क्वेश्चन लीफ के मॉडिफिकेशन से। तो हम देखेंगे कि स्वीट पोटैटो में मॉडिफिकेशन किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो ध्यान रखना दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है, और पोटैटो मॉडिफिकेशन स्टेम का होता है, लेकिन स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज ऑफ द फूड, फूड को स्टोर करने के लिए यहाँ पर रूट का मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेमेटोफोर्स आर यूजफुल इन, तो नेमेटोफोर्स जो होते हैं दे द मॉडिफिकेशन ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये भी रूट का मॉडिफिकेशन है, तो रूट का मॉडिफिकेशन क्या, नेमेटोफोर्स, ये ऐसे नेमेटोफोर्स को बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट, क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी रूट जो कि हेल्प करती है रेस्पिरेशन, इसमें हेल्प करेगी, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, ऑक्सीजन इन होगा इसके थ्रू CO2 आउट होगी, तो ऑक्सीजन इन CO2 आउट, बिल्कुल हमारी तरह ऐसा प्लांट में भी होता है, लेकिन कब होता है, कुछ स्पेशल केस हैं, कुछ स्पेशल प्लांट हैं जो कि मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, समुद्र के आसपास पाए जाते हैं, वाटर लॉक सॉइल में पाए जाते हैं, उनमें नेमेटोफोर्स होते हैं, ऐसे रूट आते हैं और इसमें नेमेटोफोर बन जाते हैं जिससे एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो हमारा आंसर क्या होगा, दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, प्रॉप रूट और बेनियन ट्री आर मेंट फॉर, तो प्रोपेट सिस्टम जो होता है बनियान ट्री में, आपने देखो बरगद का पेड़ है बनियान ट्री, अब इसमें क्या इस तरह से रूट आ जाते हैं, वो सपोर्टिंग रूट, ये मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेंगे, और मैकेनिकल सपोर्ट मतलब हम कहेंगे क्या, पहला ऑप्शन दिया रेस्पिरेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन वाटर बिल्कुल गलत है, रिटेंशन ऑफ द वाटर इनसो गलत है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द बिग ट्री बिल्कुल सही है। तो बड़े ट्री को सपोर्ट देंगे, मैकेनिकल सपोर्ट, कैसा सपोर्ट है मैकेनिकल सपोर्ट, तो मैकेनिकल सपोर्ट देने में हेल्प करते हैं इस टाइप के ट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट फॉर्म फ्रॉम द प्रोलोंगेशन ऑफ रेडिकल्स, तो देखो हमने ऐसे रूट को बोलते हैं प्राइमरी रूट, भाई हमारा रेडिकल था और रेडिकल से बनने वाला
रूट दैट इज द प्राइमरी रूट दैट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर दैट ऑप्शन नंबर वन। अगला देखेंगे एडवांटेजेस रूट आर एडवांटेजेस इन देयर, तो एडवांटेजेस रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे इनका ओरिजिन प्लेस ऑफ ओरिजिन, इनके पास डिफरेंट एडवांस होता है प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ये स्टेम से बनेंगे या लीफ से बनेंगे, मतलब हम कहते हैं कि अदर देन रेडिकल्स, रेडिकल के अलावा किसी डिफरेंट पार्ट से बन जाए, ऐसे रूट्स को बोलते हैं एडवांटेजेस रूट। तो क्या होगा, अदर देन रेडिकल्स, ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा प्लेस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।